हेलो दोस्तों, मैं गुफरान सर, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एमजी एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने मापन से संबंधित एक वीडियो डाली थी। वो वीडियो ये थी कि कैसे किसी भी ट्रैक ट्राली में बालू, गिट्टी, मोरंग की माप करते हैं। तो दोस्तों, उस वीडियो को बहुत लोगों ने देखा, कमेंट्स किया, लाइक किया। इसके लिए उन सब व्यूवर्स को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, उसको देखने के बाद लोगों ने एक कमेंट्स किया कि सर, जो हमारे कार्यालय होते हैं, दफ्तर होते हैं, आवासीय घर होते हैं, इनका हम शटरिंग एरिया कैसे निकालते हैं। तो मोस्टली शटरिंग एरिया जो हमारी छत होती है, यानी कि स्लेब होती है, कॉलम यानी कि खंभा होता है और बीम होती है, इन्हीं का निकाला जाता है। तो दोस्तों, इन्हीं चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए हमने इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, शटरिंग एरिया निकालने के लिए हमने शटरिंग एरिया के बारे में दो पार्ट में वीडियो को डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि जो हमारे घर होते हैं, इनमें बीम जो स्लैब होती है, ये किस आकार में होती है। तो इनके आकार को हम पहले समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक आपको फिगर्स यानी कि आकृति का अध्ययन नहीं होगा, तब तक हम किसी भी फिगर का हम क्षेत्रफल आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। हमें जो कन्फ्यूजन बना रहेगा, तो वो कन्फ्यूजन कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं कि फिगर्स के बारे में, फिगर्स को हम उसी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर हम कैसी भी स्लैब हो या जो छत होती है, आपकी कॉलम होती है, उनका हम शटरिंग एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन सब फिगर्स का। तो दोस्तों, हम ये पहले बात करते हैं कि जो हमारी शटरिंग एरिया होती है, उसे कहते क्या है, वो शटरिंग एरिया कहाँ कहाँ लगती है। तो दोस्तों, जैसे आपके जो कॉलम होते हैं, मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका बेलनाकार कॉलम होता है, यानी कि जो गोल खंभा होता है। दूसरा, जो घनाभ के आकार में या घन के आकार में होते हैं। तो हम यहाँ पर पहले समझने का प्रयास करेंगे, इन आकृतियों को हमने लिया है बेलन है, गोला है, वृत्त है, आयत, वर्ग, घनाभ और घन के बारे में। तो सबसे पहले अगर ये आप मार्कर देख रहे हैं दोस्तों, मान लिया कि ये कॉलम है, यानी कि ये खंभा है, और ये आप देख रहे हैं कि इसकी जो आकृति है गोल आकृति की है। तो जो गोल आकृति का जो खंभा होता है, उसे हम मैथ की भाषा में क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। अब देखिए, जो इस मार्कर की लंबाई आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर इसको ऊंचाई भी कहते हैं, लंबाई कहते हैं। तो दोस्तों, ये इसकी ऊंचाई हो गई। अब देखिए, ये जो आपकी ये देख रहे हैं, ये इसकी गोलाई हो गई। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि गोला और जो वृत्त है, इनमें फर्क क्या होता है। तो हमारा जो वृत्त होता है वो खोखला होता है, यानी कि खाली होता है, और जो गोला होता है वो ठोस होता है, सॉलिड होता है। तो जैसे अगर हम देख लें कि एक छल्ला है, वो छल्ला वृत्त कहा जाएगा, और जैसे एक बोल है यानी कि गेंद है, वो हर तरफ से क्या होती है, उसका आकार होता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, गोला कहते हैं, यानी कि जो ठोस होता है उनको गोला कहते हैं। और जो एक वृत्त हो, अगर आप एक धागा लें और उसको गोल कर दें, तो इसको हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे, गोला नहीं कहेंगे, क्योंकि गोला जो होता है वो ठोस होता है, वृत्त जो होता है वो खाली होता है, यानी कि एक। अब देखिए, ये आपका एक मान लीजिए गोला है, और ये आपका क्या है, वृत्त है। अब देखिए, ये वृत्त है। अब देखिए, जैसे ये मार्कर है, इससे यहाँ तक की जो दूरी होगी, इसको हम व्यास कहते हैं, गलती भाषा में जो इसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। अगर इसको बीच बीच में एक केंद्र हो, और यहाँ से किनारे तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या, यानी कि आर कहते हैं इसको, आर से डिनोट करते हैं, ये आपकी त्रिज्या हो गई। अब देखिएगा, यहाँ पर जैसे ये वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो, यानी कि एरिया, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आप सोच रहे हैं पाई क्या है, तो पाई की वैल्यू दोस्तों होती है आपकी 3.14। ये आपको याद रखना है कि अगर कभी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, तो 3.14 आप कर देंगे, आर स्क्वायर जो त्रिज्या है, यानी कि देखिए जो गोलाई है, कुछ भी हो सकती है, उसकी त्रिज्या अगर बड़ा है तो ज़्यादा त्रिज्या होगी, छोटा है तो कम होगा। जैसे ये मार्कर देख सकते हैं, इसके बीचों बीच से किनारों तक की दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये आपका अगर गोला का अगर एरिया निकालना हो, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो चूंकि जो हमारे मकान होते हैं, तो मकान में कभी भी गोले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि शटरिंग एरिया को निकालने के लिए गोले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए हमें गोले के बारे में नहीं पढ़ना है। तो आपको याद रखना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का पाई आर स्क्वायर। अब हम समझेंगे
कि वर्ग क्या होता है और आयत क्या होता है। तो सबसे पहले हम वर्ग और आयत के बारे में समझ लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं दो प्रकार के फिगर आपके सामने बने हुए, दो फिगर इसमें देखिएगा, इसको हम लंबाई कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा इसमें भी चार भुजा है, इसमें भी चार भुजा है, लेकिन यहाँ पर चारों भुजाएं जो दिख रही हैं आपको ये बराबर है। यानी कि अगर ये भुजा अगर ए अगर हम मान लेते हैं तो ये भी भुजा ए हो जाएगी, ये भी ये चारों भुजाएं चूंकि बराबर है। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ये जो लंबाई है ये आमने सामने की भुजा ये बराबर होगी। अगर लंबाई ए हमने मान ली तो इसकी जो चौड़ाई अगर हमने मान ली बी, तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो जिनमें लंबाई और चौड़ाई होती है तो उसको हम आयत कहते हैं, और जिनमें चारों भुजाएं बराबर हो जाए तो उन्हें हम वर्ग कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें हम स्क्वायर कहते हैं और इन्हें हम रेक्टेंगल कहते हैं। अब देखिएगा इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यानी कि एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुणे यहाँ पर हम चौड़ाई कर देंगे। अब चूंकि अगर हमें वर्ग यानी स्क्वायर का अगर एरिया निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि चूंकि लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ पर लंबाई भी सेम चौड़ाई दोनों बराबर है, इसलिए ए गुणे ए यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर। इसीलिए जो वर्ग का क्षेत्रफल निकाला जाता है वो एक भुजा का हम वर्ग कर देंगे, यानी उसी भुजा को उसी भुजा से गुणा कर देंगे, और अगर आयत है तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों और भी हम जो फिगर्स हैं यहाँ पर हम उनका अध्ययन कर लेते हैं। जैसे अगर जैसे हमने बताया अभी कि ये आपका मार्कर है, मार्कर किसमें है जान रहे हैं कि ये एक बेलनाकार है, बेलनाकार जो आपका ये मार्कर है तो इनमें देखिए कितनी चीज़ें हैं। ये जो पार्ट होगा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इसे हम ऊंचाई कहते हैं यानी कि एच कहते हैं, और अभी जो हमने आपको वृत्त के बारे में बताया जो गोल होगा तो यहाँ पर जो मार्कर का भाग है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी आपकी त्रिज्या आर। तो जो बेलन का आपको एरिया निकालना हो, जैसे कि हमने अभी बताया था कि जो शटरिंग एरिया होती है वो उसे क्या कहते हैं, तो शटरिंग एरिया जो होती है, जैसे अगर इस मार्कर का हमें शटरिंग एरिया निकालना है तो आपको ये देखना है कि इसमें शटरिंग कहाँ कहाँ लग रही है, कहाँ कहाँ लगाया जा रहा है। अगर इसके चारों ओर लगाया जा रहा है तो हम इसके चारों ओर का एरिया लेंगे, अगर यहाँ पर भी लगाया जा रहा है तो इस नीचे वाले भाग का भी लेंगे, अगर ऊपर लगाया जा रहा है तो ऊपर वाले, यानी कि अगर कोई भी जो बीम होगी या फिर कॉलम होगा उनमें जहाँ जहाँ पर आपको शटरिंग लगाया जा रहा है उन सब एरिया को निकाल कर हमें काउंट कर लेना होता है, यानी कि जोड़ लेना होता है, बस वही आपकी शटरिंग एरिया हो जाती है। वो चाहे पेंटिंग एरिया हो या फिर आपका जो शटरिंग एरिया वो सेम ही होता है। तो यहाँ पर जो बेलन होगा, अगर गोल खंभा है हमारा कॉलम है, तो उनका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल ए बराबर हो जाएगा 2πRH। अब यहाँ पर देखिए जो हमने अभी क्षेत्रफल के बारे में हमने बताया था कि जो पाई होता है किसके वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में, तो पाई की वैल्यू आप जानते हैं कि 3.14 यानी कि 3.14 आपका होता है, 2 × 2πRH। आर क्या है, जो आपका गोलाई है उसकी त्रिज्या ले रही है, और ये क्या है आपकी खंभे की ऊंचाई है या मार्कर की ऊंचाई जो भी है आपका ये। अगर दोस्तों इसके नीचे भी आपका लगा हुआ है क्या शटरिंग, तो इनमें ये भी ऐड करना होता है। अब इसको कैसे ऐड करेंगे, तो आप जानते हैं कि इसका एरिया क्या होगा, अभी हमने आपको बताया पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी है आपका ये पार्ट भी, ऊपर भी ऐसे होगा, तो अगर ऊपर भी शटरिंग लग रही है तो वैसे हर तरफ नहीं लगती है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि जहाँ जहाँ लग रहा हो हमें उस एरिया का क्षेत्रफल निकालना होता है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना होता है। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर चूंकि दोनों हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2π r² यानी कि अगर टोटल एरिया अगर इसका निकाला जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2πr². वैसे तो ना तो ऊपर लगती है शटरिंग ना तो नीचे, ये केवल चारों ओर ही लगती है। तो अगर बेलनाकार यानी कि गोल कॉलम है हमारा, तो उसके लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करके आसानी से निकाल सकते हैं। अगर गणित की भाषा में देखा जाए तो इसी क्षेत्रफल को हम वक्र पृष्ठ कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो गणित की भाषा में अगर इसको समझना है तो हम इसको वक्र पृष्ठ कहेंगे, अन्यथा इसी को हम एरिया कहते हैं। तो दोस्तों
तो दोस्तों आइए आखिरी फिगर घनाभ का अध्ययन कर लेते हैं कि घनाभ का शटरिंग एरिया यानी कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो घनाभ को समझने के लिए सबसे पहले एक बॉक्स यानी कि घनाभ के आकार का हम एक आपको कॉलम दिखा रहे हैं। ये कॉलम क्या है कि जो आपका इसमें ये पार्ट है, आपका ये पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे, ये इसकी लंबाई होगी और ये आप इसकी क्या होगी, मोटाई होगी और ये इसकी चौड़ाई होगी। तो अगर घनाभ के आकार में कोई भी कॉलम है तो उसका हम शटरिंग एरिया कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि शटरिंग एरिया निकालने के लिए जहाँ जहाँ पर शटरिंग लगती है उस एरिया का हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी कि उस क्षेत्र का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो जैसे अगर हमें इस क्षेत्र का, जैसे हमने बताया आपको, ये आपको किस आकार में दिख रहा है, अभी हमने बताया कि आयत किसे कहते हैं जिनमें आमने सामने की भुजाएँ बराबर हो। तो सबसे पहले लंबाई बड़ाई चौड़ाई करके इस हम पार्ट का क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद में चूँकि दोस्तों इसके जो विपरीत है, अपोजिट साइड में जो फिगर बनेगी ये दिख रही है, इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा बिल्कुल सेम होगा। तो अगर इसका हम निकाल लेते हैं और दो से गुणा कर देते हैं तो इसकी अपोजिट साइड का आ जाएगा। वैसे हम इस पार्ट का, ये भी आपको दिख रहा है क्या, आयत, इसका हम लंबाई बड़ाई चौड़ाई करके दो से गुणा कर देंगे तो ये पिछली वाली फिगर का आ जाएगा। अब अगर शटरिंग यहाँ पर लगा है तो हम, ये आपको बॉक्स किस आकार में दिख रहा है, वर्गाकार, यानी कि एक वर्ग के आकार में। तो इसका चूंकि चारों भुजाएं बराबर होगी तो दो भुजा को, एक भुजा को हम दो बार गुणा कर लेंगे, उसके बाद में उसको दो से गुणा कर देंगे तो ये पिछली वाली भुजा का भी आ जाएगा। यानी कि इसका शटरिंग एरिया निकालने के लिए हम जितनी भी जो आपके फिगर्स हैं उनमें बनने वाले हैं उन सब का हम क्या करेंगे, उनमें हम, ये आपकी लंबाई हो जाएगी, ये आपकी जो आपकी लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई और मान लिया ये ऊंचाई हो गई, तो इन सब में पहले जो आगे का पार्ट होगा उस पिछले पार्ट का एक का निकाल के दूसरे का लंबाई चौड़ाई करके दूसरे का कर लेंगे। ऐसे जो आपके नीचे वाला पार्ट होगा यानी कि बॉटम और टॉप दोनों पार्ट जो होंगे वो आपके कैसे होंगे, एक वर्ग यानी स्क्वायर के आकार में होंगे, उनको हम दो बार कर लेंगे और सब जोड़ने के बाद में हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि टॉप में आपकी शटरिंग नहीं लगी हुई है तो हम उस एरिया का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, केवल बॉटम का ही निकालेंगे। अगर मान लीजिए बॉटम भी नहीं लगा है तो हम टॉप और बॉटम छोड़ के जितने भी आपके हैं चार सरफेसेस जो सतह बचेंगी उनका हम निकाल लेंगे। क्योंकि एक घनाभ में अधिकतम कितनी सतहें हो सकती हैं, जो सतह हो सकती है छः, जो ऊपर नीचे और बगल आए, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए घनाभ में क्या होता है दोस्तों, जो घनाभ में होता है वो जैसे एक बॉक्स है और इनमें जो आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी वो तीनों बराबर हो जाएगी। तो जो चूंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो जाएगी तो इस आकार का तो वैसे आपको कॉलम देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा आपको निकालना आ जाए एरिया इसका, तो हम क्या करेंगे, तो आप चूंकि देख रहे हैं कि इनमें कितनी फलक होती हैं, कितने फलक होते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, तो आप क्या करेंगे कि जो आप इसका क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अगर आपको टॉप और बॉटम या पूरे एरिया पहले निकालना है तो हम क्या करेंगे कि इनमें जो आपका एरिया कितनी, छः भुजा, देखिए पहले एरिया निकालेंगे ए स्क्वायर करेंगे और चूँकि छः सतह हैं इसलिए छः ए स्क्वायर करेंगे, छः से गुणा कर देंगे। अगर मान लीजिए कि एक तरफ नहीं लगा है आपका शटरिंग तो हम क्या करेंगे, पाँच ए स्क्वायर कर देंगे, अगर दो तरफ नहीं लगा हुआ है तो फोर ए स्क्वायर कर देंगे। तो आशा करता हूँ कि आसानी से जो शटरिंग एरिया का पार्ट वन है आपको इन फिगर्स के बारे में एरिया इनका अगर निकालने को आ जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम अगली वीडियो में ये बताएंगे कि जो अगर आपकी जो बीम होती है वो चाहे लटक बीम हो या आपका स्लैब छत हो या फिर कॉलम हो, उन सब का क्षेत्रफल आसानी से कैसे निकालेंगे इन्हीं सब फिगर्स के क्षेत्रफल के फार्मूले की सहायता से, तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।